अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हमारा टॉपिक होगा, हमारा फोकस होगा लैंग्वेज मॉडल्स पे, कि लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल्स, प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल्स जनरेट किए जा सकते हैं, इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, उसकी डिफरेंट स्मूथिंग टेक्निक्स क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनग्राम्स से। सो लैंग्वेज मॉडल, या जब हम प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं, तो उसका पर्पस ये है कि हम एक सेंटेंस को या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकें। जैसे कि नाम से जाहिर है कि लैंग्वेज को मॉडल करना, हम एक लैंग्वेज को मॉडल करना चाह रहे हैं, मीन्स जो हमारा एआई प्रोग्राम होगा, एआई प्रोग्राम जो कि एक लैंग्वेज मॉडल होगा, वो हम उसको अच्छा उसी वक्त ही कंसिडर करेंगे जब वो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के उन सेंटेंसेस जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हाई असाइन कर रहा होगा, और वो वाले सेंटेंसेस जब हम उस इस लैंग्वेज मॉडल को प्रोवाइड करें जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं उनकी वो प्रोबेबिलिटी लो असाइन करें। अभी आप नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल में हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम कंप्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ताकि हम देख सकें कि जो हमारा सेंटेंस है वो कितना उस ग्रामर, उस लैंग्वेज की ग्रामर के लिहाज से करेक्ट है। सो इसी चीज को यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया कि अगर हमारा मुझे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस कंप्यूट करनी है और वो पर्टिकुलर सेंटेंस डिफरेंट वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो उसको हम इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल W और कैपिटल ऑफ S इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, W2, जितने भी उस सेंटेंस में वर्ड्स आ रहे हैं, और हम उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे थ्रू लैंग्वेज मॉडल। एक और जो टास्क है, आप लैंग्वेज मॉडल के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए, कि अगर आपके पास प्रीवियसली फॉरवर्ड्स आ चुके हैं और आपने उसको यूज करते हुए नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है या सजेस्ट करना है, तो इस टास्क के लिए भी हम लैंग्वेज मॉडल को यूज करते हैं। इसके टिपिकल एग्जांपल, जब आप अपने कीबोर्ड पे, मोबाइल के कीबोर्ड पे कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिकली सजेस्ट एज ए नेक्स्ट वर्ड आपके पास सजेशन के तौर पर आ रहा होता है, बैकेंड पे लैंग्वेज मॉडल्स ही काम कर रहे हैं। सिमिलरली गूगल में जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपको एज अ सजेशन के तौर पे आता जाता है, बैकएंड पे लैंग्वेज मॉडल्स ही काम कर रहे हैं। और उनकी ये वाली वेरिएशन कि वो कुछ वर्ड्स एज एन इनपुट ले रहे हैं हिस्ट्री, और उसकी बेस पे आपने नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो इसको जो फॉर्मुलेट किया जा रहा है दोबारा से, कि अ मॉडल दैट कंप्यूट्स आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, या आपके पास हिस्ट्री है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, और आपने उसकी बेस पे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना, लैंग्वेज मॉडल को यूज करते हुए हम ये दो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन जिस तरह पहले डिस्कस किया कि अच्छा लैंग्वेज मॉडल कौन सा होगा, अच्छा अगर आपके पास दो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एक लैंग्वेज मॉडल LM1 है और एक लैंग्वेज मॉडल LM2 है, और आपने ये देखना है कि कौन सा लैंग्वेज मॉडल बेहतर है, अच्छा है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप इन दोनों लैंग्वेजेस को एक सेंटेंस पास करेंगे, वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी, और उसके बेस पे जो भी ये लैंग्वेज मॉडल उसकी प्रोबेबिलिटी रिटर्न करे, आप डिटरमिन उसकी बेस पे आप डिसीजन कर सकते हैं कि लैंग्वेज मॉडल 1 बेहतर है या लैंग्वेज मॉडल 2 बेहतर है। अगर आप एक इसको सेंटेंस पास करते हैं जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है और लैंग्वेज मॉडल उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रिटर्न करता है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज मॉडल 1 ज्यादा अच्छा ट्रेन हुआ। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज मॉडल की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, दो एप्लीकेशन तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो मशीन ट्रांसलेशन में यूज होती हैं, कि अगर आपके पास जब मशीन ट्रांसलेशन में सेंटेंस सोर्स लैंग्वेज को जब टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, तो वहां पर मल्टीपल ट्रांसलेशंस आ जाती हैं, और अब हमने उन मल्टीपल ट्रांसलेशन में से
ये देखना है कि कौन सी ट्रांसलेशन ज्यादा बेहतर है, उसके लिहाज से उसको आइडेंटिफाई करने के लिहाज से फिर हम लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करते हैं। जिस तरह हाइविंड टून और लार्ज विंड्स, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली वर्ड सीक्वेंस आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। सिमिलरली स्पेलिंग कोरेक्शन में, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर आपके पास ये सेंटेंस है और आपके पास जो वर्ड्स की वेरिएशंस आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, तो आप देखें कि आपके पास दोनों वर्ड्स ग्रामेटिकली कोरेक्ट हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें पता है कि ये जो वेरिएशन है, सॉरी, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के करेक्ट वर्ड्स हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबल जो सीक्वेंस है वो इन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का है। इस वजह से फिर हम थ्रू लैंग्वेज मॉडल अपने स्पेल करेक्शंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम स्पीच रिकग्निशन की बात करते हैं, और मैंने अगर एक सेंटेंस बोला आई सॉ अ वैन, तो अब जो स्पीच सिग्नल्स हैं वो जब उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एक पॉसिबल टेक्स्ट ये भी आ सकता है और दूसरा पॉसिबल टेक्स्ट ये भी हो सकता है, आई सॉ एन, ये वाली ट्रांसलेशन भी आ सकती है, ये वाली टेक्स्ट भी आ सकता है और ये वाला टेक्स्ट भी आ सकता है। तो यूजिंग लैंग्वेज मॉडल ही फिर हम देखते हैं कि कौन सा पॉसिबल टेक्स्ट ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा करेक्ट है टारगेट लैंग्वेज के लिहाज से, और मोस्ट प्रोबेबल जो सीक्वेंस है उसको हम जनरेट करते हैं। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए हम लैंग्वेज मॉडल्स ही को यूज कर रहे हैं। सिमिलरली टेक्स्ट समराइजेशन में, क्वेश्चन आंसर सिस्टम में बेशुमार इसकी एप्लीकेशन है। जब भी हम लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं तो वहां पे आप एक टर्म यूज करेंगे एन ग्राम्स या एन ग्राम लैंग्वेज मॉडल या 2 ग्राम या 2 ग्राम लैंग्वेज मॉडल या जिसको हम बाय ग्राम लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज एनग्राम। एनग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स। जब भी आप अपना लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और उसमें आप एन वर्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो अब हम उसको कहेंगे कि ये एन ग्राम बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है। और बायग्राम क्या है? अब बायग्राम, जिसको हम 2 ग्राम भी कहते हैं, कंसिडर 2 वर्ड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कि वो 2 वर्ड्स को कंसिडर करता है। सो अगर हमने लैंग्वेज मॉडल ट्रेन किया है और उसने 2 वर्ड्स को कंसिडर किया है, तो इट मीन्स दैट इज बायग्राम लैंग्वेज मॉडल 2 2 वर्ड्स को कंसिडर करते हुए वो अपना लैंग्वेज को मॉडल कह रहे हैं। सिमिलरली जो ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल है वो 3 3 वर्ड्स को कंसिडर करता है लैंग्वेज को मॉडल करने के लिए। सो अगर एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है जो कि 3 वर्ड्स को कंसिडर कर रहा है तो हम उसको कहेंगे ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल्स। सिमिलरली 4 ग्राम लैंग्वेज मॉडल्स, 5 ग्राम, डिपेंड कर रहे कि आप कितने वर्ड्स यूज करें। सो एन ग्राम मीन्स आपने एन वर्ड्स यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को मॉडल करने के लिए। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि ये बायग्राम, ट्राइग्राम, 4 ग्राम ये क्या चीजें हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एन ग्राम्स का मतलब है अगर लैंग्वेज मॉडल कंसिडर कर रहे हैं एन पॉसिबल वर्ड्स को, बायग्राम मीन्स अगर वो 2 वर्ड्स को कंसिडर कर रहा है, ट्राइग्राम्स मीन्स 3 वर्ड्स को कंसिडर कर रहा है। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जब हम लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारा 2 फोकस है। एक फोकस है कि हिस्ट्री की बेस पे नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना, प्रॉबिलिटी ऑफ करंट वर्ड गिवन हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूट करना है प्रॉबिलिटी ऑफ द, अगर प्रीवियसली जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वर्ड दी आने की क्या प्रॉबिलिटी है। सो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन बन रही है ये सिंपल कंडीशनल प्रॉबिलिटी है। सो एज यू नो कि अगर आपके पास ये कंडीशनल प्रॉबिलिटी वाली सिचुएशन है तो आप अगर आप
के पास काउंट अवेलेबल है, इट्स वॉट इट इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, तो आप इस काउंट को डिवाइड कर सकते हैं इसके काउंट से, तो आपके पास इस पूरे सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो आप क्या क्या देखते हैं, आप देखते हैं ए और बी कितने टाइम्स आया, काउंट ऑफ ए कोमा बी इकट्ठे आने का काउंट है और काउंट ऑफ बी सिमिलरली इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का इकट्ठे आने की क्या प्रोबेबिलिटी काउंट है, आपने इसको कंसिडर कर लिया और देन जो गिवन के बाद जो हिस्ट्री आ रही है उसके काउंट को, और इस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब आप एक लैंग्वेज को मॉडल कर रहे हैं तो वहां पर तो बेशुमार सेंटेंसेस आ सकते हैं और उन वर्ड्स के इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल सेंटेंसेस कम्बिनेशन आ सकते हैं, तो आप किस किस कम्बिनेशन को अपने पास स्टोर करेंगे, क्या टू वर्ड्स के काउंट अपने पास रख रहे होंगे, थ्री वर्ड्स के काउंट अपने पास रख रहे होंगे, फोर वर्ड्स के काउंट, और फिर किस किस कम्बिनेशन के साथ। सो ये जो हमारे पास सर्च स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। सो टू मैनी पॉसिबल सेंटेंसेज हैं लैंग्वेज में, अगर आप पूरे के पूरे गूगल को भी स्क्रैप कर लेते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को मॉडल करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज या काउंट स्टोर करना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लैंग्वेज में नए नए वर्ड्स आते जाते हैं और उन वर्ड्स को हैंडल करना, उसको डील करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। सिमिलरली अगर आपको एक सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, तो ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग है कि सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। एक ट्रिक आप क्या यूज कर सकते हैं, आप चेन रूल को यूज करते हुए सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी ए कंसिडर कर सकते हैं। सो इनकी डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक नोटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से बिल्ड हो। इस तरह आपको याद होगा कि सिंपल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास रेंडम वेरिएबल्स हैं जिनको हम आमतौर पर एक्सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर आपको ये कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दी कंप्यूट करें कि द वर्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू दी, और इसको हम सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ दी भी लिख सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ दी लिखा हुआ है तो आप इसको इस नोटेशन के इक्विवेलेंट अज्यूम कर सकते हैं, और अगर आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्यूट करना है तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप उस पूरे कॉर्पस में से काउंट कर लें कि वर्ड डी कितने टाइम्स आ रहे हैं, तो इस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप इसको देखें तो सो सॉरी फॉर दैट, सो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक नोटेशंस को। सो एक दफा क्विकली इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो अगर आप एक्स आई एक जेनेरिक टर्म हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ दी कंप्यूट कर रहे हैं तो हम एक वे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू दी ए लिख लें, या फिर सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ दी लिखें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास एक कॉर्पस गिवन है और आपने उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ दी फाइंड करनी है तो आप काउंट फाइंड करेंगे काउंट ऑफ दी कि दी कितने टाइम्स आ रहे हैं, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो इस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दी आ जाएगा। फिर एक और जो नोटेशन हम यूज करेंगे वो है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कि अगर हम लिखते हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन, ये अब आपके पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसकी जो शॉर्ट नोटेशन हम यूज करेंगे दैट इज
डब्ल्यू वन कॉलन एन। सो अगर आपके पास तीन वर्ड्स हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, तो अगर आपके पास नोटेशन हम यूज कर लें डब्ल्यू वन कॉलन थ्री, तो ये और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगी। सिमिलरली अगर एक नोटेशन यूज हो रही है डब्ल्यू वन कॉलन एन माइनस वन, तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन माइनस वन। Similarly, अगर for the joint probability of each words in a sequence having a particular value, अगर आपके पास sequence of words आ रहे हैं, तो probability में हम इस तरह उनको different random variables के साथ assign कर देते हैं। जब हम यहाँ पे लिख रहे होंगे तो ये वाली notation इसी के equivalent है कि probability of w1, w2 up to wn। So अब हम वापस move करते हैं जो हमने discussion start की थी, that is chain rule। अगर आपको याद हो कि चेन रूल में हम क्या काम करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसी को रीराइट करके हमारे पास इस तरह चेन रूल आ जाता है। और अगर आपके पास मोर देन टू वेरिएबल्स हैं, थ्री फोर वेरिएबल्स हैं, तो उनका जो अगर हम चेन रूल करें तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए कॉमा बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए कॉमा बी कॉमा सी। और अगर हम उसको जेनेरिक फॉर्म में लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन, तो हमारे पास जो चेन रूल आएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू टू गिवन डब्ल्यू वन W3 given W1, 2 and so on. और last word की अगर हमने probability compute कर रहे हैं तो probability of N given W1 up to WN. So यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो चेन रूल है वो कुछ इस तरीके से बिल्ड हो रहा है। और इस वाले केस को देखें तो यहाँ पे भी क्या है कि हम N माइनस वन हिस्ट्री देख रहे हैं और इसकी बेस पे हम नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और अगर आप इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें, तो इसका मतलब ये है कि वर्ड टू को प्रेडिक्ट करना है और मैं प्रीवियस वर्ड देख रहा हूँ। सिमिलरली डब्ल्यू थ्री को प्रेडिक्ट करना है, मैं लास्ट टू वर्ड्स देख रहा हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे देखें कि मैंने एन वर्ड को प्रेडिक्ट करना है, तो मैं कंप्लीट प्रीवियस हिस्ट्री देख रहा हूँ। तो इस तरह ये चेन रूल इसको एक्सपेंड कर रहा है। और इसकी जो अगर हम इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो इसकी जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपके पास ये आ रहा है। कैसे, अगर आप ये देखिए कि ये जो सिंबल है दैट इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, अगर k की वैल्यू वन है तो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ w वन और देन गिवन w वन कॉलन k माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो ही हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे जब k की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ w1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है। सो ये है फॉर k इज इक्वल टू 1। जैसे ही k की वैल्यू 2 होगी तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप इसको देखें w2 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉलन 1, तो इट मींस आपके पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू टू गिवन वन। और अगर आपके पास k इज इक्वल टू 3 है, अब हम देखते हैं कि ये वाली नोटेशन ये कैसे जनरेट होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू थ्री गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कॉलन थ्री माइनस टू माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ w3 गिवन w1 कॉलन 2। सो अगर आपको ये नोटेशन वाली ये नोटेशन याद हो जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, दिस वन वन कॉलन n, कि आप ये रिप्रेजेंट कर रहे एक्चुअली वन w1 w2 अप टू wn माइनस वन। तो यहाँ पे भी जब आपके पास आ रहा है w1 colon 2, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2 को। अगर हम इसको और जेनेरिक कर देते हैं, k की वैल्यू 10 पे करते हैं,
तो टे की के की वैल्यू 10 के लिए आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू 10 गिवन डब्ल्यू 1:9। सो इट मींस के यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस होगा डब्ल्यू 10 गिवन डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू 3 अप टू डब्ल्यू 9। सो होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी कि ये एक्सप्रेशन किस तरह इसके इक्विवेलेंट है। सो नेक्स्ट हम अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू n फाइंड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट है इसके और ऑटोमेटिकली ये इक्विवेलेंट है इसके। सो यहाँ पे भी सिंपल चेन रूल को एक्सप्लेन किए और अगर अब हमने चेन रूल अप्लाई करना है इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट तो इट मींस ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर गिवन इट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इज गिवन इट्स वाटर एंड सो ऑन। सो अब मुझे अगर इसको फाइंड करना है तो मुझे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स चाहिए इसके साथ साथ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर गिवन इट्स चाहिए फिर प्रोबेबिलिटी ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज मेरे पास आएंगी तो तभी मैं इस पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना इट्स सेल्फ चैलेंज है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू वर्ड्स यानी वाटर गिवन इट्स फाइंड करनी हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ इज गिवन इट्स वाटर फाइंड करनी हो तो क्या अप्रोच है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास होंगी तो तभी हम इस पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। और इस अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह यूजिंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हम क्या काम करते हैं हम मार्कोव अजम्पशन लेते हैं। वो क्या एक वे क्या है मार्कोव अजम्पशन का कि अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी चाहिए गिवन इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट तो अब हम पूरी पूरी हिस्ट्री को नहीं देखेंगे हम सिर्फ प्रीवियस एक वर्ड को देख लें। इसको हमने अज्यूम कर लिया कि मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ W 3 फाइंड करनी है तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ प्रीवियस वर्ड पता चल जाए सॉरी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ W 3 गिवन W 2 W 1 फाइंड करनी है तो मुझे पूरा हिस्ट्री नहीं चाहिए मुझे सिर्फ उसका प्रीवियस वर्ड पता चल जाए तो मैं इन प्रोबेबिलिटी ऑफ W 3 कंप्यूट कर सकता हूँ। सो इस तरह की हम अजम्पशन लेते हैं कि आप पिछला एक वर्ड देखना चाह रहे हैं पिछले दो वर्ड्स को कंसिडर करना चाह रहे हैं पिछले तीन वर्ड्स को कंसिडर करना चाह रहे हैं पिछले चार वर्ड्स को कंसिडर करना चाह रहे हैं। सो मार्कोव अजम्पशन इस तरह की अजम्पशन लेके इस कॉम्प्लेक्स मॉडल को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे क्या जा रहा है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करनी है तो सिर्फ प्रीवियस एक वर्ड की इंफॉर्मेशन पता चल रही है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। इस वाले केस में प्रीवियस टू वर्ड्स को कंसिडर किया जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए। सो ये हम अजम्पशन ले रहे हैं। अब इसी मार्कोव अजम्पशन को अगर हम टू वर्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं थ्री वर्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं फोर वर्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं उसी लिहाज से हमारा मॉडल प्रोबेबिलिटीज को लर्न करेगा और प्रेडिक्शन कर रहा होगा। और ये इसकी जेनेरिक नोटेशन है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, W2 अप टू Wn मल्टीपल वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो अब बजाय इसके कि आप पूरी पूरी हिस्ट्री देखें आप अजम्पशन ले सकते हैं कि आपने नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना है सिर्फ प्रीवियस वर्ड को देखते हुए या प्रीवियस टू वर्ड्स को देखते हुए। तो ये वाली नोटेशन उसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपने प्रीवियस वर्ड को देखना है तो ये उसी के लिहाज से आपके पास आता जाएगा प्रीवियस टू वर्ड्स के लिहाज से देखना है तो वो उसी लिहाज से आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री आती जाएगी। इन अदर वर्ड्स वी अप्रोच सो
इसी तरीके से इसका मतलब ये कि जब आपने गिवन दैट यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना है तो वहां पे भी आपके पास नोटेशन कुछ इस तरीके से आ रही होगी कि अगर अभी हम इस जेनेरिक नोटेशन को कहते हैं कि मुझे लास्ट थ्री वर्ड्स को देखना है नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो इट मीन्स डब्ल्यू आई बेस कर रहा होगा डब्ल्यू आई माइनस वन, डब्ल्यू आई माइनस टू और डब्ल्यू आई माइनस थ्री। यानी अगर आईथ वर्ड है तो उसके प्रीवियस थ्री वर्ड्स को देखा जा रहा होगा और उसकी बेस पे उसकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट किया जा रहा होगा, राइट। सो जो सबसे सिंपल केस है वो है यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल। यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल का क्या मतलब है कि मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन कंप्यूट करना है तो मुझे, मैं कोई भी हिस्ट्री नहीं देख रहा, मैं हर वर्ड की अपनी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर कर रहा हूँ और उसकी बेस पे उस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एम गुड, तब इसकी जब प्रोबेबिलिटी कंप्यूट होगी थ्रू यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, और हर एक की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ आई कंप्यूट करनी तो आपके पास एक ह्यूज कॉर्पस होगा, उसमें से आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई के लिए के काउंट ऑफ आई कितने टाइम्स आ रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोकन्स, और इस तरह आपके पास हर वर्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि इसमें आप कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री कंसिडर नहीं कर रहे। जब आपके पास लैंग्वेज मॉडल आ जाता है देन अब आप उसको यूज करते हुए जो भी हमने दो टास्क परफॉर्म डिस्कस किए वो तो काम परफॉर्म कर ही सकते हैं कि एक सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें या आपके पास हिस्ट्री और नेक्स्ट वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी। इसके साथ साथ आप उसको यूज करते हुए ऑटोमेटिकली लैंग्वेज या सेंटेंस भी जनरेट कर सकते हैं। किस तरह कि आपने अगर यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल बिल्ड कर लिया, और यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करना बहुत ही आसान है कि आपने हर वर्ड की अपनी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली और उसके बाद आपने अगर एक सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी तो उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं आपने उनको लिया और उनकी प्रोबेबिलिटी जो आपने कंप्यूट की थी उनसे प्लग इन कर दिया, उससे पेस्ट कर दिया, आपके पास उस पूरे सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी आ गई थ्रू यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल। अब क्वेश्चन ये है कि आप लैंग्वेज कैसे जनरेट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है तो आप रेंडमली कोई भी वर्ड सेलेक्ट करते जाएंगे नेक्स्ट थ्रू लैंग्वेज मॉडल, फिर कोई रेंडम वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और उस वक्त तक जब तक कि आपके पास एंड ऑफ सेंटेंस मार्कर नहीं आ जाता, और इस तरह आप थ्रू यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल आप एक सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लैंग्वेज मॉडल के थ्रू यानी यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल के थ्रू जो सेंटेंस जनरेट कर रहा है वो कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल। बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये है कि अब हम नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी को प्रीवियस हिस्ट्री सिंपल प्रीवियस वर्ड देख रहे हैं। सो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिटेल से ट्राई एग्जांपल करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जबकि आप यहाँ पे देखिए कि इस पर्टिकुलर केस में अगर अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आई कंप्यूट करनी है तो ये इक्विवेलेंट इसके हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल की या ट्राइग्राम मॉडल की तो उस केस में हमारे पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू आई गिवन डब्ल्यू आई माइनस टू डब्ल्यू आई माइनस वन। अगर हम फोरग्राम लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आई
given wi minus 3, wi minus 2, wi minus 1. So, इसको आप समराइज करते हैं कि n ग्राम लैंग्वेज मॉडल में जो यूनिग्राम है, यूनिग्राम में कोई भी प्रीवियस वर्ड नहीं देखा जा रहा. जब हम वन प्रीवियस वर्ड देख रहे हैं तो वो हमारे पास बायग्राम लैंग्वेज मॉडल आ रहा है. अगेन आपने कंफ्यूज नहीं होना, समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट हम एक देख रहे हैं एक वर्ड का, तो इस वजह से ये यूनिग्राम मॉडल होगा. नहीं, जब आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे, तमाम वर्ड्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज यूनिग्राम मॉडल. अगर आप एक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं तो दैट इज बायग्राम लैंग्वेज मॉडल. अगर आप दो वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं तो मीन्स ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर ग्राम के केस में आप तीन वर्ड्स देख रहे हैं तो दैट इज ट्राइग्राम लैंग्वेज मॉडल. सो वी कैन एक्सटेंड कि हम ट्राइग्राम, फोर ग्राम, फाइव ग्राम लैंग्वेज मॉडल्स पे जा सकते हैं. लेकिन ये जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल के थ्रू, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये लॉन्ग डिपेंडेंसीज को हैंडल नहीं कर पाता. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में द कंप्यूटर विच आई हैड जस्ट पुट टू द मशीन रूम ऑन द फिफ्थ फ्लोर क्रैश्ड. अब ये जो क्रैश्ड वर्ड है ये एक्चुअली इस प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट से आप डिटरमिन नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट कर रहे हैं कंप्यूटर को. सो ये कुछ लिमिटेशन हैं. इन लिमिटेशन को यूज करते हुए हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे यूजिंग रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क इस तरह की लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं लैंग्वेज मॉडल में. सो होपफुली एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी कि लैंग्वेज मॉडल किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या, कितनी टाइप्स के हैं. नेक्स्ट जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें बायग्राम लैंग्वेज मॉडल और यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उस पर फोकस होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.